Redmi Note 11 डिवाइस के लिए लेटेस्ट अगस्त 2024 का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है अवेलेबल हो गया है। यहाँ पर इस वीडियो में पिक्सल स्टार का जो अपडेट है इसका फुल रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सबसे पहले एंड्रॉयड 14 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है Redmi Note 11 NFC डिवाइस के लिए ऑफिशियल अपडेट है पिक्सल स्टार 3.2 के साथ। यहाँ पर 5th अगस्त 2024 का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगा 4.19 कर्नेल के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिक्सल स्टार का जो डाउनलोड लिंक है प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके चेकआउट करके देखो। सबसे पहले यहाँ पर डार्क थीम के साथ जो है क्विक सेटिंग्स पैनल देखने को मिलेगा। ऑटो ब्राइटनेस का जो आइकॉन है ऐड किया गया है, प्लस डेटा यूजर्स का जो ऑप्शन है देखने को मिलेगा। एंड पावर मेनू के साथ जो है ब्लर का जो ऑप्शन से देखने को मिलेगा। एडवांस रिबूट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। रिकवरी बूट लोडर सिस्टम यूआई को आप यहाँ से जो है रिबूट भी कर सकते हो। इसके अलावा कनेक्टिविटी के रिलेटेड कोई भी इशू नहीं है। वाईफाई काम कर जाएगा, हॉटस्पॉट काम कर जाएगा, ब्लूटूथ काम कर रहा है, यहाँ पर मोबाइल डाटा 4G भी काम कर रहा है, कोई भी इशू वगैरह नहीं है। कनेक्टिविटी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को हमने नोटिस नहीं किया है। डिसी डिमिंग का ऑप्शन है, हाई ब्राइटनेस मोड को ऐड किया गया है, यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी काम कर जाएगा। तो कुछ इस तरह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पर एक्स्ट्रा डिम 100 मोड नाइट लाइट का जो फीचर से ऐड किया गया है। लॉक स्क्रीन की अगर बात करें, कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन यूआई देखने को मिलता है, प्लस जो शॉर्टकट वगैरह है इसे भी आप जो है कंप्लीटली कस्टमाइज कर सकते हो। वॉल्यूम पैनल के साथ कुछ इस तरह से यूआई है, पर परसेंटेज का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। इवन जो स्कॉलिंग एनिमेशन है इसमें कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पर FM रेडियो का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, हेडफोन वगैरह को आप कनेक्ट करके FM रेडियो को एक्सपीरियंस कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो है पर प्ले स्टोर अवेलेबल है, अलग से इंस्टॉल नहीं करना होगा। प्लस यहाँ पर ऐप ओपनिंग एनिमेशन, ऐप क्लोजिंग एनिमेशन भी काफ़ी सही है। कैमरा टू एपीआई के साथ जो है लेवल 3 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। गूगल कैमरा यहाँ पर काम कर जाएगा इस अपडेट के साथ। एंड बाय डिफॉल्ट जो है अपर्चर कैमरा एप्लीकेशन को ऐड किया गया है। अल्ट्रा वाइड लेंस, मेन लेंस का ऑप्शन है। बाकी यहाँ पर फोटो वीडियो इवन QR कोड को स्कैन कर सकते हो। प्लस जेमिनी AI भी काम कर जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। फिलहाल यहाँ पर बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। हमने यहाँ पर कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन को ट्राई किया था। यहाँ पर Geekbench 5.5.1 के साथ, सिंगल कोर के साथ 382 एंड मल्टी कोर के साथ जो है 1565 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है। तो यहाँ पर मल्टी कोर का जो स्कोर है, इवन सिंगल कोर का जो स्कोर है, काफी बढ़िया देखने को मिल गया है Redmi Note 11 डिवाइस के साथ। एंड Geekbench 6.3.0 के साथ जो है सिंगल कोर के साथ 416 एंड मल्टी कोर के साथ 1475 का स्कोर है। यहाँ पर भी जो है सिंगल कोर का जो स्कोर है काफी सही है। तो परफॉर्मेंस जो है आपको बढ़िया देखने को मिलेगा पिक्सल स्टार के साथ। 3D Mark का जो एप्लीकेशन है यहाँ पर क्रैश कर जा रहा है, तो ये चीज हमने नोटिस किया है। एनीवे यहाँ पर बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। तो यहाँ पर जो बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा काफी सही है। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस को ऐड किया गया है। इसकी बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन है, सर्विस वर्क के ऊपर बैटरी परसेंटेज को एनेबल कर सकते हो। बैटरी रिजर्व्स का ऑप्शन है, चार्जिंग कंट्रोल का जो ऑप्शन है देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है चार्जिंग मोड के ऊपर ऑटोमेटिक शेड्यूल, कस्टम शेड्यूल, लिमिट चार्जिंग का ऑप्शन है। तो यहाँ पर लिमिट चार्जिंग में 80 सेलेक्ट करने के बाद डिवाइस जो है 80% के ऊपर चार्ज नहीं होगा। प्लस अगर बात करें पर बैटरी के साथ स्किन ऑन टाइम के बारे में, तो यहाँ पर बैटरी बैकअप देख सकते हो काफ़ी सही है। लगभग जो है पर 2.5 दिन के आसपास हमने जो है यहाँ पर डिवाइस को आइडियल मोड में टेस्ट किया है। एंड एक चीज़ आप नोटिस करोगे, यहाँ पर जो बैटरी ड्रेन है लगभग 10% के आसपास हमने नोटिस किया है यहाँ पर जो है 2.5 दिन के बाद। तो यहाँ पर आइडियल मोड में जो बैटरी ड्रेन है काफ़ी जो है कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लगभग जो है 5% के आसपास जो है पर बैटरी ड्रेन देखने को मिल जाएगा आइडियल मोड में, जो कि काफ़ी सही है। देख सकते हो यहाँ पर जो बैटरी बैकअप के रिलेटेड कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। एंड डेफिनेटली 7 आवर एंड 7.5 आवर के आसपास जो है स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाएगा इस अपडेट के साथ। तो डेफिनेटली बैटरी बैकअप के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है एंड काफ़ी सही एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर जो है कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर जो है जो क्लोन ऐप्स का जो फीचर्स है ऐड किया गया है। बाकी यहाँ पर डेडिकेटेड जो गेमिंग मोड है अवेलेबल है। एंड
या पर ऐसे भी ऑप्शंस देखने को मिलेगा, इसे भी आप जो है चेकआउट करके देख सकते हो। एंड यहाँ पर कुछ कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी अवेलेबल है, तो यहाँ पर थीम्स, फॉन्ट, सर्च बार, क्विक सेटिंग्स, ऐसे भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लॉक स्क्रीन को आप जो है कम्प्लीटली जो है कस्टमाइज कर सकते हो, अलग अलग क्लॉक स्टाइल को सिलेक्ट कर पाओगे। यहाँ पर शॉर्टकट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, इवन डायनेमिक क्लॉक, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, डबल टैप को चेक फोन, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को शेड्यूल कर सकते हो, लिफ्ट टू चेक फोन का ऑप्शन है, वेकअप स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। थीम्स के साथ जो आइकॉन पैक प्लस जो मॉनिट कस्टमाइजेशन ऑप्शन अवेलेबल है, इवन जो फॉन्ट वगैरह है उसे भी आप जो है कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पर सरस बार के साथ जो है नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, 4G आइकन का ऑप्शन है, LTE आइकन का जगह 4G आइकन को शो कर सकते हो। यहाँ पर डेटा डिजिबल आइकॉन, नोटिफिकेशन काउंट प्लस क्लॉक स्टाइल का ऑप्शन है, इवन माइक, कैमरा, लोकेशन, प्राइवेसी इंडिकेटर का ऑप्शन है, प्लस क्विक सेटिंग्स के साथ जो डेटा यूजेस का जो ऑप्शन है इसे भी अगर आप चाहो तो बंद कर सकते हो, प्लस क्विक सेटिंग्स, क्विक पुल डाउन, ऑटो ब्राइटनेस एंड ब्राइटनेस स्लाइडर का जो ऑप्शन है देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन के साथ नोटिफिकेशन वॉल्यूम को एडजस्ट करने का ऑप्शन है, इंक्रीज रिंग वॉल्यूम का ऑप्शन है, अलग अलग सिम के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिंग टोन को सेट कर सकते हो, स्मार्ट पॉज, लाइव कैप्शन, ऐसे भी ऑप्शन है। एंड यहाँ पर पावर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल प्लस क्लियर स्पीकर का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर है काम कर जाएगा, बहुत ही फास्ट डिवाइस जो है पर अनलॉक हो जाएगा। एंड यहाँ पर फेस अनलॉक का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, इसे भी आप चेकआउट करके देखो। इसके अलावा जो है यहाँ पर हाई ब्राइटनेस मोड का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा, जो फीचर से डायरेक्ट सनलाइट में यूज करने के लिए डिवाइस को काफी सही है। डीसी डिमिंग का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। पिच ब्लैक थीम में वो भी काफी सही तरीके से काम करते हैं, इवन मैक्सिमम ब्राइटनेस, लो ब्राइटनेस के साथ भी हमने कोई भी इशू वगैरह को जो है नोटिस नहीं किया है। एक्सेसिबिलिटी के साथ जो है एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन है, वाइब्रेशन, हैप्टिक, लाइव कैप्शन, या पर साउंड नोटिफिकेशन, फ्लैश नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड या पर सिस्टम के साथ जो है सिस्टम अपडेट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, तो आप OTA अपडेट वगैरह को इंस्टॉल कर सकते हो जब भी अवेलेबल होगा। या पर गेस्चर्स नेविगेशन, 3-बटन नेविगेशन का ऑप्शन है, प्लस क्विक टैप का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा, क्विकली ओपन कैमरा का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, लिफ्ट टू चेक फोन, वन हैंडेड मोड, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट, प्लेबैक कंट्रोल, क्विक टॉर्च का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, प्लस लाइव ट्रांसलेट का जो फीचर से यहाँ पर ऐड किया गया है। तो यहाँ पर पिक्सल स्टार 3.2 के साथ आप जो है रेडमी नोट 11 डिवाइस के ऊपर लेटेस्ट अगस्त सिक्योरिटी पैच अपडेट को एक्सपीरियंस कर पाओगे, प्लस जो अनलॉक एनिमेशन वगैरह है उसे भी जो है इम्प्रूव किया गया है। तो डेफिनेटली आपके डिवाइस के ऊपर ट्राई करके देखो इस अपडेट को। एंड रेडमी नोट 11 का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन वीडियो को चेकआउट करके देख सकते हो। Thank you very much for watching this video. Have a nice day. Bye bye.